ताने दहशत मीडिया नेटवर्क में आप लोगों का स्वागत है और दर्शकों हम इस वक्त दादोजी कोंडे स्टेडियम में है जहाँ पर नजीब मुल्ला ट्रॉफी 2024 खेला गया। यहाँ पर कृष्णा जी सातपुते हमारे साथ मौजूद हैं और ये नेशनल इन इंटरनेशनल लेवल पर भी इन्होंने टेनिस पे बहुत अच्छा योगदान किया है और कहीं इनके स्टूडेंट भी है जो इनको ट्रेन करते हैं। तो सर आज का जो ये मूवमेंट था ज़रा इसके बारे में हमारे दर्शकों को दो शब्द कहें। बहुत मज़ा आया फाइनल मैच में, 44 का टारगेट था, ऐसा लग रहा था कि ये तीनों चार ओवर में फिनिश हो जाएगा मैच। मैं पहले सेकंड बॉल पे आउट हो गया, मेरे को मालूम था जब मैं आउट होऊंगा तो ज़रा मैच टाइट ही होने वाला था, तो हो गया वो जैसा मैंने सोचा था और पब्लिक को बहुत मज़ा आ गया। और लास्ट में जो दो बॉल 10 चाहिए था तो रजत मुंडे ने जो 2 सिक्स मार के मैच जिताया, बहुत मज़ा आया। और क्राउड भी इतना था कि टेनिस क्रिकेट में फर्स्ट टाइम में इतना पूरा स्टेडियम भरा हुआ था। और ये ऐसा जो टेनिस क्रिकेट जो आज जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हो गया था ये नाजीमुल्ला सर का जी। ये मेरे लाइफ का सबसे बड़ा सबसे फेवरेट टूर्नामेंट था ये जी। क्योंकि इंडिया में इतने बड़े स्टेडियम में फर्स्ट टाइम हुआ ये टेनिस का टूर्नामेंट ये। हमारे दर्शकों को बताएंगे कि जो ये पूरा जो ये चषक चला इस वक्त जो ये गेम के माध्यम से, तो ये नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के अंदर जो आने वाली जो नई पीढ़ी है तो उनके लिए क्या योगदान रहेगा आपकी तरफ से? बहुत अच्छा योगदान। पहले कैसा है, हम लोग जो क्रिकेट स्टार्ट किया था तो हम खेत में ऐसा ऐसा खेलते थे, लेकिन क्रिकेट अभी अच्छा 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 लेवल पर बढ़ रहा है और आज स्टेडियम में खेला है जो टेनिस क्रिकेट। और अभी ISPL भी आने वाला है, वो IPL टाइप का टूर्नामेंट होने वाला है और आने वाले पीढ़ी जो है क्रिकेट टेनिस क्रिकेटर उनको आने वाले समय में बहुत अच्छा अच्छा प्लेटफॉर्म मिलने वाला है टेनिस के थ्रू और वो स्टेडियम में 100% खेलने वाले। इसके लिए जितने भी जो तरुण नौजवान हैं उनको मैं सलाह देता हूँ कि अच्छा क्रिकेट खेलो, फिटनेस करो, यही बोलना चाहता हूँ मैं। और आपके जो टीम का जो योगदान रहा कि लास्ट के दो बॉल में 9 रन का स्कोर था उसको जो आप लोगों ने चेस किया, तो उस वक्त आप क्या महसूस कर रहे थे? महसूस मतलब अभी जैसा रजत मुंडे खेल रहा था, जैसा ब्लॉक बॉल पे सिंगल ही आ रहे थे तो सोच रहा था कि रजत ने जो नितिन माटुंगा जो था हमारा हार्ड हिटर उसको रन आउट करने के बाद थोड़ा नर्वस हो गए थे हम लोग, क्योंकि नितिन माटुंगा जो ऐसा प्लेयर है कि कैसा भी मैच निकलता है वो, लेकिन उसको रन आउट होने के बाद थोड़ा नर्वस हो गए थे। और उसमें रजत मुंडे को भी मैं कॉन्ग्रेचुलेशन देता हूँ क्योंकि जो उसने जो जिद्द दिखाई उसने रन आउट करने के बाद, बिना प्रेशर में खेला, दो बॉल 9 को दो बॉल 9 को ऐसा मारना कोई मामूली बात नहीं है, आसान नहीं है, तो 2 सिक्स मारा उन्होंने और टीम को जीत दिलाई। और सब इराकी वॉरियर्स के जो भी जितने भी प्रशासक थे, स्पॉन्सर लोग थे, सभी को मैं कॉन्ग्रेचुलेशन देता हूँ, बहुत बड़ा टूर्नामेंट अपन जीत गए। तो हमारे ठाणे दहशत मीडिया की तरफ से भी आप लोगों की टीम को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। मेन बात यह है कि ठाणा के जितने भी पब्लिक थे, जितना ही क्राउड था, छोटे से लेके बड़े से लेके, मैं धन्यवाद देता हूँ फैंस लोग जितने फाइनल होने के बावजूद भी बहुत रुके हुए हैं और मेरे को कम से कम 10-15 लोग बीच में घेराव करके लेके जाना पड़ा मेरी गाड़ी के पास। तो ये प्यार है दर्शकों का, मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ सभी को और एक बार ठाणा स्पोर्ट्स सपोर्टर्स को। दर्शकों आपने देखा किस तरीके से ठाणे में आकर इन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से इनकी टीम ने पूरे मैच का पूरा रुख पलट दिया और किस तरीके से इन्होंने ये नजीब मुल्ला चषक 2024 ट्रॉफी को अपने नाम किया, इस तरीके से दर्शकों टीम ने बड़ी कामयाबी हासिल की। टीम के जो कृष्णा सातपुते के साथ जो हमारी बात हुई, तो ये टीम ऑनर है, इनसे भी हम 2 शब्दों में बात करना चाहेंगे। सर हम आपका अभिनंदन करते हैं, आरिफ सर ज़रा आपकी टीम ने किस तरीके से अपना योगदान दिया और किस तरीके से इन्होंने परफॉर्मेंस दिखा के ट्रॉफी को अपने नाम किया, उस पर 2 शब्द। कैसा है कि पूरी 13 प्लेयर जो थे, पूरे 13 प्लेयर का परफॉर्मेंस था, उसके अंदर अंकित कलकी जो गाजीपुर से है वो आया खेलने, विजय पावले सोलापुर का सांगली का है वो आया खेलने, कृष्णा सातपुते, एजाज कुरेशी, ये टेनिस क्रिकेट के बड़े नाम है कि मतलब उनके सामने कैसा होता है कि उनके सामने जल्दी कोई बॉलर बॉल डालने को तैयार नहीं होता है। और ये पूरी टीम स्पिरिट से जो उन्होंने खेले, मतलब मेरे को ऐसा लगा कि मैंने जो उनका एंट्री भरा इट वॉज वर्थ, वो वर्थ था उनके पीछे एंट्री भरने का, उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। तो अभी जिस तरीके से आपने देखा कि आपकी जो टीम ने पूरे मैनेजमेंट के सामने, और ये लास्ट मोमेंट ऐसा था कि नाउम्मीदी आ चुकी थी कि ये 2 बॉल में 9 रन को चेस करना था, टारगेट को अचीव करना था, तो उस वक्त आपने क्या महसूस किया था? मैं तो कैसा है कि 3रे बॉल पे जब 1 रन आया जी, तो मैं तो हिम्मत छोड़ दिया था, मगर रजत ऐसा है कि लास्ट बॉल पे छक्का मारने वाला बैट्समैन है वो, तो एक उम्मीद थी। टेनिस क्रिकेट कैसा है, टेनिस क्रिकेट एक ऐसा गेम है 1 बॉल पे 6 रन भी मारा जाता है, तो रजत पे एक्सपेक्टेशंस था, मगर मैं तो अंदर ही हार गया था। रजत मुंडे ने वो एक्सपेक्टेशन पूरा किया, मैं उसको कांग्रेस बोलता हूँ कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया उसने। जो आपकी टीम ने यहाँ से नजीब मुल्ला ट्रॉफी 2024 को विन किया, आपको भी हमारी टीम की तरफ से कांग्रेचुलेशन। इसके बारे में
यही बोलूँगा कि पार्ट ऑफ क्रिकेट जो लास्ट दो बॉल पे सिक्स लगे और जिस हिसाब से ग्राउंड फैसिलिटीज टेनिस क्रिकेटर्स को मिल रही है अब, तो टेनिस क्रिकेट का ग्राफ तो ऊपर ही जा रहा है, ये हम सबको दिख रहा है। और जिस हिसाब से दोनों टीम की परफॉर्मेंस थी, नो डाउट उस टीम से विजय पावले और स्टार्टिंग में अंकित कल्कि ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी और उसके बाद उन लोगों ने एक मोमेंटम हासिल करा। देन सेकेंड इनिंग में हम लोग ने भी बहुत अच्छा कमबैक करा, विकेट्स गिरी और प्रॉपर 50-50 मैच चल रहा था, टाइट मैच चल रहा था, बहुत क्लोज सिचुएशंस आ रही थी, बहुत प्रेशर आ रखा था दोनों इनिंग्स पे, दोनों टीम्स पे, दोनों बॉलर्स पे, बैट्समैन पे। और जिस तरीके से दूसरी टीम ने प्रेशर ज्यादा अच्छे से हैंडल करा वो टीम जीती और ऐसे रहा टूर्नामेंट, बहुत अच्छा लगा। ठीक, और जैसे कि थाना के अंदर आप पहली दफा आए हो या इसके पहले भी आप आ चुके हैं? नहीं, थाना के अंदर टूर्नामेंट ये हम लोग खेल रहे हैं अभी, फर्स्ट टाइम ही खेल रहा हूँ, में बहुत खेलते हैं जी जी हम लोग और महाराष्ट्र में क्रिकेट खेलते ही रहते हैं जी। पर थाना की पब्लिक ने जो प्यार दिया, जो दर्शकों के बारे में मैं कहना चाहूंगा, वो जितना बोलो उतना कम है जी। क्राउड के ग्राउंड के अंदर घुसते ही जो फील आ रहा है, ये इंटरनेशनल क्रिकेट है और कुछ नहीं है। और जिस हिसाब से थाना की पब्लिक जी, जैसे कि एक आपने खुद भी देखा कि नजीब मुल्ला ट्रॉफी 2024 में जिस तरीके से जितनी भी टीमें यहाँ पर आई, जैसे कि बताया गया कि 128 टीमों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था और आप लोग विनिंग के अंदर रनर सेकंड में आप रनर अप आए हो, तो उसी के साथ में जैसे कि आपको एक मैनेजमेंट का सिस्टम कैसा आपको ये लगा? नहीं, मैनेजमेंट का सिस्टम बहुत अच्छा है। इस टूर्नामेंट में हम फर्स्ट मैच हारे थे जी और ये लीग सिस्टम होता है, यहाँ पर आपको तीन में से दो मैच जीतने पड़ते हैं क्वालिफाई करने के लिए और हम फर्स्ट मैच ही यहाँ पर हार गए थे जी, जो कि हम लोग को सिचुएशंस नहीं पता चली थी। उसके बाद हम लोगों ने कमबैक करा, बैक टू बैक दो मैच, उसके बाद फिर हम लोग सेमीफाइनल क्वार्टर फाइनल जीते, फिर हम लोग सेमीफाइनल फाइनल में पहुंचे जी। तो हम लोगों ने कमबैक करा, जो ये अच्छा है रूल्स कमेटी ने करा था कि लीग फॉर्मेट रखा था, वरना नॉकआउट रहता तो हम लोग आज बाहर हो जाते। लीग फॉर्मेट है और बॉल अच्छी है, बैट अच्छी है, सब अच्छा लगा जी। इसी तरीके से आप हमारी तमाम अपडेट्स को देखने के लिए आप हमें लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। ये थी ठाणे दहशत मीडिया नेटवर्क की खास रिपोर्ट, आवाज आपकी, खबर हमारी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे न्यूज चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और घंटी का बटन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।